अरविंद केजरीवाल ने किया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ताओं के सामने बोले, दो दिन बाद कुर्सी छोड़ दूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लुटेंस जोन में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय पर सीएम अरविंद केजरीवाल के विचारों को सुनने के लिए पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस दौरान दिल्ली सीएम ने इस्तीफे को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, साथ ही लेटर बम फोड़ते हुए पीएम मोदी और एलजी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, दो दिन बाद कुर्सी छोड़ दूंगा, दो दिन बाद पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, इस बैठक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जाएगा। आप दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं आज से दो दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है, दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे, दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, मेरी जगह कोई और सीएम होगा, अगला सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सीएम पर फैसला लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा एक और नया फॉर्मूला बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखे हैं, ये विपक्ष के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं। उधर आतिशी का नाम सीएम पद की लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालका जी सीट से विधायक हैं। आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, उच्च शिक्षा, टीटीई, वित्त योजना, पीडब्ल्यूडी, जल बिजली, सेवाएं, सतर्कता, जनसंपर्क मंत्री हैं। सीएम केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले भी आतिशी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने जेल से एलजी के पत्र लिखा था कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराएंगी आतिशी, लेकिन वो चिट्ठी वापस कर दी गई और साथ में ये भी कहा गया कि अगर फिर से चिट्ठी लिखी तो परिवार से मुलाकात बंद हो जाएगी। वहीं आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज नाम भी सामने आ रहा है, वे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं। सौरभ दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। सौरभ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सीएम पद की रेस में मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत के भी नाम चर्चा में हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली की राजनीति सियासत अगले दो दिन में किस तरफ रुख लेगी, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री और कौन संभालेगा देश की राजधानी दिल्ली। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिकेशन न्यूज़।